आई होप आप सभी लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज की वीडियो में अपना थर्ड करवा चौथ लुक कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है ये वाला लुक। करवा चौथ के लिए मतलब परफेक्ट लुक, मैं इसको बोलूँगी परफेक्ट मेरी तरफ से। अब मैंने तरफ से ना मतलब मेरी तरफ से मैंने सोचा इस वीडियो में अपने पूरे 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 एफर्ट डालूँ कि आप लोग को पसंद आए। ये आई लुक भी इतना ईजी है, मतलब जितना ये लुक ट्रस्ट मी जितना अट्रैक्टिव लग रहा है ना उतना मतलब उतना ही इजी है, मतलब आप ये समझ लो उतना ही इजी लुक है। आई लुक में मैंने बहुत मिनिमम प्रोडक्ट यूज़ किया है, जस्ट वन कलर, ज़्यादा ही कुछ कट क्रीज वगैरह मैंने क्रिएट की ही नहीं है और बहुत इजी है। इसको आप लास्ट मिनट करवा चौथ लुक भी ले सकते हो, आप उसमें भी कर सकते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव। एंड ये मैंने गजरा ऐसा लगाने की कुछ कोशिश की है, मतलब कि वो जो फ्लावर्स आते हैं जो ये रखे हैं ये वाले, इसको मैंने थोड़ा सा लगा करके मैंने सोचा इसको ट्राई करूँ तो कैसा लगे। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक लग रहा है। और ऐसे मैंने दो लुक और ऑलरेडी डाले हुए अपने चैनल पे करवा चौथ के, तो अगर आप मॉडर्न टाइप का देखना चाहते हो तो आप वो देख सकते हो। अच्छा आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट करके बताओ कि मैं एक साड़ी में डालूँ कि नहीं डालूँ, मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं एक साड़ी में भी डालती ये वाले लुक। अच्छा ड्रेस ना लोकल की है सो आप लोग बहुत कमेंट करते हो कि दीदी ड्रेस का भी लिंक डाल दिया करो, बट यार गाइज मैं ना लोकल से ही ले लेती हूँ ज़्यादातर तो, और ये मेरी नहीं है पहली बात तो, इसलिए मैं आपको लिंक भी नहीं दे सकती, ऑनलाइन भी नहीं है ये, ठीक है। ज़्यादातर मैं कुर्तीज़ वगैरह ही लेती हूँ। एनीवेज ये सब बातें हम वीडियो के अंदर करेंगे और मुझे एक और टॉपिक में बात करना है वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, ओके। और ये सिंदूर लगाती हूँ ना मैं, इसको मैं आप प्लीज़ एज ए पॉजिटिव वे लें, प्लीज़ नेगेटिव वे मत लीजिएगा इसको प्लीज़। एनीवेज इफ यू लाइक माई कंटेंट सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल नाउ विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। अच्छा गाइस कैसे हो आप लोग, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सॉरी वैसे तो मैं रोज़ ही करती हूँ। आज ना मुझे ऐसा लग रहा था लिप्स ना बहुत ड्राई ड्राई लग रहे थे, तो सबसे पहले मैंने अपना लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज किया, फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद अ टोनर। लैक्मे का मैं टोनर लगा रही हूँ, टोनर ज़रूर लगाया करो, आपके जितने पोर्स होते हैं ना सब मिनिमाइज हो जाते हैं। अच्छे से डैप डैप करना अपनी स्किन को ताकि स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होए, उसके बाद ही कोई भी नेक्स्ट प्रोडक्ट अप्लाई करना। आज ना मैं नेल्स लगाते लगाते कर रही थी, बाय द वे नाया सेरामाइड वाला सीरम था, वाटर बेस्ड टेक्सचर है बट थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग वाला इफेक्ट देता है ये। बायोटिक की काफ़ी अच्छी वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, मतलब बहुत अच्छे से कोकोनट वाली है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देती है आपके फेस को, मतलब चिपचिप नहीं करती बिल्कुल भी। ऐसी क्रीम्स अच्छी लगती है जो चिपचिप नहीं करती है, वैसे तो क्रीम्स भी बहुत चिपचिप करती है ना। अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज कर लेना, अपनी अंडर आइज में भी लगा लेना, फिर उसके बाद माय फेवरेट मतलब कि माय ऑल टाइम फेवरेट मेबलिन और पर्पल का फाउंडेशन मिक्सअप करके अपने शेड के अकॉर्डिंग बना के उसको डॉट डॉट करके अपने फेस में मैं लगाऊंगी, अपने अंडर आइज में भी यही लगाऊंगी, लिड्स में भी यही लगाऊंगी और उसको एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूंगी। बाय द वे ये करवा चौथ लुक है तो मतलब मेरे को पूरा एफर्ट डाल रहे थे इसमें, ओके। मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ। अच्छा मेरे को ना आप लोग से ये बात करनी है कि जैसे मैं अपना मतलब मैं सिंदूर भरती हूँ, ठीक है, मैं मांग भरती हूँ, वो क्यों करती हूँ मैं पता है, वो अच्छा लगता है। लाइक अगर मैं ऐसा कोई लुक डाल रही हूँ कि मतलब करवा चौथ या ब्राइडल लुक, सॉरी न्यूली ब्राइडल लुक या कुछ भी न्यूली वेडिंग के ऊपर या कुछ भी मतलब ब्राइड्स के ऊपर, तो उसमें लगाना होता है, तो उसमें मेरे को बहुत लोग कमेंट करते हैं कि ये मतलब हमारी गीता में ये लिखा है ये वो ये वो। यार मैं कुछ मजाक नहीं बना रही, अगर आज मैं टीवी में काम करने जा रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे अगर मेरे से बोलेंगे कि लगाओ तो मैं यार लगाऊंगी, मैं वो मेरा काम है तो मैं उस चीज़ में बिल्कुल शर्मा नहीं सकती हूँ, तो अगर मैंने लगा लिया सो मतलब बड़ी बात कोई नहीं है। आप इसको ऐसे पॉजिटिव वे में लोगे ना तो भी अच्छा होगा। आप किसी को मतलब कि आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो तो प्लीज़ आप किसी के लिए बुरा मत बोलो, मैं क्लियर बोलूँ। मतलब डीमोटिवेट ऐसा मत बोलो कि सामने वाला डीमोटिवेट हो जाए, वैसे मैं होंगी नहीं, आप जितनी कोशिश करो बट आप वो करिए मत, वो ख़राब लगता है।
तो बस मैं आपको यही समझा रही थी। ओके एनीवेज, अच्छे से मैंने अपना लूज पाउडर वगैरह लगा लिया। तब तक मैंने ली मेकअप रेवोल्यूशन की कलर वाली पैलेट, जिसमें आपको बहुत सुंदर सुंदर शेड्स मिल जाते हैं। पॉइंटेड वाला मैंने ब्रश लिया रेने कॉस्मेटिक का, और अच्छे से मैं ये रेड कलर ब्लेंड करूँगी। अच्छे से, ज़्यादा हम लोग ऊपर तक नहीं जाएंगे, इसको बस मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। बस आज बहुत सिंपल आई लुक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो इसको मैं हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे ब्लेंड करती जाऊँगी। बस आप जितना टाइम दे सको ना, आप ब्लेंड करते जाओ बस। अब देखो ब्लेंड करते करते कितना मतलब अच्छा हो गया लुक, है ना, बिल्कुल भी लाइंस नहीं। ऐसे ब्लेंड करो कि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे, तो आई लुक हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं सिल्वर कलर ले रही हूँ, यही सेम मतलब सेम पैलेट नहीं है, मतलब सेम ब्रांड की पैलेट है मेकअप रेवोल्यूशन की, लेके अपने लिप्स में मैं लगा रही हूँ। और या अच्छे से मैं लगा लूँगी। बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट्स मैंने कोशिश की है करने की, एंड एक बार वापस से ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रह जाए। अब जितना ही सिंपल लुक था, बट लुक कितना सुंदर लग रहा है, आई लुक देखो कितना सही लग रहा है। पर्पल का यहाँ पे मैंने जेल लाइनर लिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल ब्लैकेस्ट ब्लैक चाहिए था, तो जेल लाइनर लिया और उसको अच्छे से लाइनर लगा लिया। विंग वगैरह मेरे को क्रिएट नहीं करनी थी, तो मैंने विंग क्रिएट नहीं की और कोशिश की है, क्योंकि जेल लाइनर में मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट अच्छा लगता है, मतलब लगाने में ना बिल्कुल ब्लैकेस्ट ब्लैक लगता है गाइस, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब बिल्कुल वाटरप्रूफ भी है। और उसके बाद यहाँ पे मैं LA 18 का काजल लगा रही हूँ। काजल अपर लाइन वोटर लोअर लाइन दोनों के ऊपर लगाऊंगी, और थोड़ा सा ना मोटा मोटा लगाऊंगी, क्योंकि मुझे नीचे स्मच करना था, ठीक है। ये आई लुक मुझे थोड़ा सा चाहिए था, अच्छा चाहिए था, मतलब मोटा मोटा, बिल्कुल आई लुक में मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है, लगा लिया। एंड उसके बाद मैंने फिर ब्लैक शेड लिया, ये मैंने पतला सा एक ब्रश ले लिया है आईब्रो वाला ब्रश, और उससे मैं क्या कर रही हूँ, ब्लैक कलर नीचे लगा रही हूँ। पतला पतला लगाना, ज़्यादा मोटा मोटा लाइन मत ड्रॉ कर लेना, ठीक है, वरना फिर वो कोकिला वाला लुक लगेगा फिर आप लोग मत बोलना दीदी आपने ही तो बोला था, मैं पतला पतला ड्रॉ कर रही हूँ। फिर उसके बाद एक स्मजर ब्रश लेकर उसमें रेड शेड लिया जो मैंने अपनी आईज़ के ऊपर लगाया था, लेके उसको दोनों को साथ में स्मज कर लिया, और जितना भी पाउडर था, जिसको जितना सोखना था ना सोख लिया। तभी मैं बोलती हूँ छोड़ दो उसको, छोड़ दोगे तभी वो आपका जितना सोखना होगा सोखेगा। अच्छे से उसने मेरा बेस वगैरह सब सेट कर दिया है। और शुगर की मैं ले रही हूँ ये पैलेट नहीं, ये ब्रॉन्जर है बाय द वे, हाँ। और उसको अच्छे से मैं कॉन्टोर कर रही हूँ चीक्स में, जॉ लाइन में, फोरहेड में, नोज़ में। कॉन्टोर कर लिया करो अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपका फेस बहुत पतला है ना, तो ऐसा सच कुछ नीड नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा आपका फेस चबी चबी फूला फूला मोटा मोटा फैट वाला लगता है, तो फिर आप क्या करो कि थोड़ा सा लगाओ, यूज़ करो इसको, एंड आपका फेस इससे थोड़ा पतला दिखता है, चिजल दिखता है, डायमेंशन मिल जाती है, बहुत ज़्यादा ना गोरा गोरा सा नहीं लगता। अगर आप वाइट में आप थोड़ा सा ब्राउन शेड मिला दोगे या कुछ भी करोगे, तो वो थोड़ा डायमेंशन मिलेगी, है ना। पर्पल की ये मैंने 6 in 1 ब्लश पैलेट है, इसमें ना आपको 6 शेड्स मिल जाएंगे, लिटरली 6 शेड। तो अच्छे से मैं अपना जहाँ पे मैंने कॉन्टोर लगाया था, साथ ही साथ मैं कॉन्टोर को भी ब्लेंड करती जा रही हूँ, और उसी के ऊपर मैंने ब्लश लगाया। वेट एंड वाइल्ड का ये मैं ले रही हूँ हाइलाइटर, ऑलमोस्ट गाइस ख़त्म ही हो चुका है, ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म नहीं किया, लगाया भी मैंने बहुत है, बट ये गिर गिर के ख़त्म हुआ है, गिर गिर के। अच्छे से फोरहेड में, चीक बोन्स में, और फोरहेड में लगाऊंगी, क्यूपिड बो में लगाऊंगी, आइज के कॉर्नर्स में लगाऊंगी, और चिन में लगाऊंगी, मेन मेन पॉइंट्स होते हैं ना वहाँ पे। अच्छा ये है मामा अर्थ का न्यूली लॉन्च मस्कारा, मस्कारा बहुत ही अच्छा है, इसका एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा है, और पैकेजिंग वाइज भी बहुत अच्छा आएगा, रिव्यू आएगा डिटेल में, मैं इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। इनसाइड कॉस्मेटिक का सेटिंग स्प्रे लगा रही हूँ अपने पूरे फेस को सेट करने के लिए बिल्कुल, और बेस देखो कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा बना है। लिपस्टिक लगा रही हूँ ये मैं मनीष मल्होत्रा की, थोड़ी सी एक्सपेंसिव लिपस्टिक है, मुझे ब्रांड ने भेजी थी, मैंने खुद से नहीं खरीदी थी, बट आप स्विस ब्यूटी भी ले सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोलती कि आप वही प्रोडक्ट यूज़ करने हैं जो मेरे पास हो, आप खुद के अकॉर्डिंग लो जो आपको पसंद आता है। और हाँ, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ वैसे आप यूज़ करो, लेकिन प्रोडक्ट आपको जो सूट करे आप वही करो।
यहाँ पे मैंने बीच का पार्टीशन ले लिया है, और मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक पोनी टेल बना लूँगी। यहाँ पे मैंने वीडियो स्पीड में कर दिया गाइस, ताकि ना बहुत मतलब बोरिंग ना लगे वीडियो, है ना। तो अच्छे से मैं थोड़ा सा बिल्कुल चंपू टाइप का था ना, वैसे कर लेते हैं। अच्छा देखा है आपने, पहले हम लोग ऐसे हेयर स्टाइल बनाने वो करते थे कि यार चंपू लगती है वो, अभी हम लोग वही करते हैं। पीछे जो फ्लावर रखे हैं उसको मैंने काट करके और इसको मैंने अपने बालों में लगाया है। दिमाग देखो आप लोग मेरा, मैंने वही किया, पीछे रखा था, मैंने कहा कुछ नया ट्राई करते हैं, तो मैंने उसी को निकाल के कैंची से काट के और यहाँ पे अपने जूड़े के आसपास लगा लिया। मैंने कहा जूड़ा भी बहुत प्यारा लगेगा और थोड़ा लुक भी अच्छा आएगा, है ना। तो यहाँ पे मेरा जूड़ा पूरा कंप्लीट है, अच्छे से मैंने पिनअप वगैरह कर लिया है जूड़े पिन से। एंड यहाँ पे मैंने अपना ब्लाउज़ चेंज कर लिया, बिल्कुल रेड ब्लाउज़ है पूरा भरा हुआ। इसके साथ ये वाले इयररिंग बहुत सूट कर रहे थे, यहाँ पे मैंने चोकर सेट भी डाला हुआ है, बट एट देन मैंने सोचा चोकर हटा देती हूँ, आज ना मैं मंगलसूत्र पहनना भूल गई। प्लीज़ इस गाइज इसको ना थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेना स्टार्ट कर दो। बिंदी लगाई, मंगलसूत्र सॉरी नहीं पहना, इयररिंग पहनी, एंड कुछ भी नहीं किया है, आईलैशेस लगा ली है, मांग थोड़ी सी मैंने सिंदूर लगाया है, और करवा चौथ लुक था तो मैंने सोचा लगा लेती हूँ, क्यों मैं इतनी मेहनत करके अपना एक सिंदूर के चक्कर में और कुछ नेगेटिव पर्सन्स के लोगों के चक्कर में, मैं पीपल्स के चक्कर में मैं अपना मूड ऑफ करूँ। रिंग पहनी और चूड़ियाँ पहन ली, एंड दैट्स इट, दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जाना, और मेरे चैनल पे नए होना तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करना। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए मुझे अभी ही बता दो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, और मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। बाय बाय।